this is Sunil Verma and I welcome you. And today I am again teaching you same things, passive voice and passive voice in continuous. Continuous passive voice में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. बहुत ध्यान से समझिएगा. मैंने active लिख रखे हैं, उसके साथ passive भी लिख रखे हैं. मैंने आपको बता दी passive का use तब करते हैं जब कोई हमारे पास subject नहीं होता. लेकिन हमारे कोर्स में जिस तरीके सब्जेक्ट के साथ दे रखा होगा उस तरीके से मतलब जैसे क्वेश्चन है आर यू टीचिंग द क्लास, तो ये आंसर हो गया आई एम टीचिंग द क्लास. यहां पे देखिए क्या है, इज द क्लास, ये सेम सेंटेंस है उसकी तरह पैसिव में, इज द क्लास बीइंग टॉट बाय यू, द क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी. नेक्स्ट है आर यू बाइंग अ कार, आई एम बाइंग अ कार, ये एक्टिव में आंसर हुआ. यहां देखिए इज अ कार बीइंग बॉट बाय यू, a car is being bought by me. Sir, दिखाई पड़ रहा है. Are you making a plan?